नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस चंदेल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी करंट फेवरेट सनस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि मैं करंटली अभी लगा रहा हूं इस विंटर सीजन में। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेटामा को की 1% हाइलुरोनिक एक्वा जेल बेस्ड सनस्क्रीन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके इंग्रीडियंट्स, क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं इस विंटर सीजन में लगाने के लिए, इसी के साथ ही क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड इसी के साथ ही कौन लोग परफेक्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के लिए। तो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इनकेस आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन द कम्युनिटी। सीधा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, अब जिन लोगों को नहीं मालूम व्हाट इज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन एक फिजिकली एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर हम अपने फेस को देते हैं ताकि हम यूवीए एंड यूवीबी रेज से बच सके जो सन एमिट करता है। अब जनरली कई बार ये लोग जो स्टेप है वो मिस कर देते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। स्किन पर रैश आ जाता है, सनबर्न हो जाता है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो डू वेयर योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की बात कर ही रहे हैं तो 1% हाइलुरोनिक एसिड कैसे पीछे छूट सकती है। हम शुरुआत करेंगे इसकी पैकेजिंग से। पैकेजिंग में बहुत ही ज़्यादा पंची कलर का इस्तेमाल करा है एंड 49 रुपीज की आपको ये पर्टिकुलर 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके पैकेट को ओपन करेंगे, अंदर से आपको एक पंप बेस्ड बॉटल देखने को मिलेगी विच लुक्स लाइक दिस। और अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। प्योर व्हाइट कलर का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी और ये बहुत ही आराम से आपके इस फेस के ऊपर ग्लाइड करेगी। दोस्तों, ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है, मतलब इसमें आपको केमिकल एंड फिजिकल ब्लॉकर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये SPF 50 के साथ आती है एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कोई सनस्क्रीन 4+PA++ के साथ विथ 1+ इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली एक आइडेंटिफाई करता है कि कितनी सेफ एंड इफेक्टिव आपकी सनस्क्रीन है। ये जनरली आप 4 से 5 घंटे तक कैरी कर सकते हैं, देन आपको रीअप्लाई करनी होती है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप 3 से 4 घंटे के बाद अपनी जो सनस्क्रीन है वो रीअप्लाई कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ ही अगर हम बात करें इसके इंग्रीडियंट्स की, तो यहीं पर ये जो सनस्क्रीन है स्टैंड आउट करती है। 1% की कॉन्सेंट्रेशन में आपको हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलेगा विच इज लाइक एन ह्यूमक्टेंट, और आपके नेचुरल मॉइस्चर को अलाउ नहीं करता कि वो उड़ जाए जल्दी से। जनरली सर्दियों में हमारा नेचुरल जल्दी उड़ जाता है, डेट इज वाई आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है। सो ये चीज आपको इस सनस्क्रीन के साथ देखने को नहीं मिलेगी। हाउएवर, आपको एक मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी आ चुकी है और आने वाले टाइम में, अभी जो आने वाले मंथ्स है उसमें और सर्दी बढ़ेगी। तो जरूर से एक मॉइस्चराइजर लगाएं एंड देन आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। द सेकंड इंग्रेडिएंट वी हैव इज कॉल्ड विटामिन ई, विच इज अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। ये आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, क्योंकि आपकी जो हाइड्रेशन की प्रॉपर्टीज है उसे बढ़ा देता है ये। इसी के साथ ही ये आपके डार्क स्पॉट्स में भी काफी अच्छी तरह से काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सप्पलनेस की तरफ है, मतलब आपको हाइड्रेशन बहुत ज्यादा मिलने वाली है। कई बार जो सनस्क्रीन होती है उसमें आपको हाइड्रेशन नहीं मिलती और आपका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा केकी टाइप का लगता है, फटाफटा हो जाता है। तो ये चीज आपको इस सनस्क्रीन में नहीं देखने को मिलेगी एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सनस्क्रीन। अगर हम बात करें फिजिकल ब्लॉकर्स की, तो इसमें आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड इसी के साथ ही जिंक ऑक्साइड देखने को मिलेगा, जो आपकी स्किन को बचाते हैं फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेज से, जो पेनिट्रेट करके आपके स्किन के डीप डाउन लेयर्स तक जाती है एंड देन आपको स्किन कैंसर तक कर सकती है। तो ये आपके क्या काम करते हैं, ये पेनिट्रेट नहीं करने देते उन रेस को, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं वापस। इसी के साथ ही मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी विद दिस प्राइस पॉइंट, इसमें आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, या फिर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, आईफोन्स पे कुछ ना कुछ आप काम करते रहते हैं, तो उससे एमिट होती है ब्लू लाइट, जो ना सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल होती है, जिसके कारण आपकी जो स्किन है वो डल एंड सैगी लगती है और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आपको दिखने लगते हैं। सो ये जो सनस्क्रीन है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगी, ये ब्लॉक कर देगी ब्लू लाइट को पेनिट्रेट करने से। दोस्तों, इसी के साथ ही ना, इस सनस्क्रीन में आपको किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं देखने को मिलेगी। जनरली जो सनस्क्रीन आती है वो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस के साथ आती है, तो ये चीज आपको इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको इसको एप्लीकेशन का तरीका भी बता देता हूँ कि कितनी आपको इस्तेमाल करने, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको अपना मुंह धोना है, देन आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है एंड देन यू कैन पुट दिस सनस्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ पे कितनी अमाउंट ले रहा हूँ, 1, 2 एंड मे बी 3, इतनी अमाउंट आप ले सकते हैं अपने सनस्क्रीन की। एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस ऑन योर एंटायर फेस एंड नेक एज वेल। बहुत सारे लोग अपने नेक को भूल जाते हैं, भाई वो भी आपका हिस्सा है। और अपने बैक ऑफ योर नेक का भी ध्यान रखें, बिकॉज कई सारे लोग की जो नेक है, जो पीछे वाली नेक है, जो बैक साइड है, वो काली हो जाती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पहले अपने नेक को रब कर रहा हूँ, देन आई मूव दिस सर्कुलर मोशन लाइक दिस। एंड इसका भी एक रीज़न है, यू आर नॉट जस्ट अप्लाइंग योर सनस्क्रीन, आप अपने फेस को मसाज भी दे रहे हैं ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन उस तरफ जाए। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक।
इसमें किसी भी तरह की आपको वाइट कास्ट देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की आपको फ्रेग्रेंस देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कौन लोग परफेक्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के लिए। हर कोई परफेक्ट रहेगा, स्पेशली अगर आपकी जो स्किन है सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपकी जो स्किन है ऑयली एंड ड्राई भी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सेफ्टी की बात करूँ तो इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसी के साथ इसमें कोई भी पैराबेंस एंड SLS का इस्तेमाल नहीं हुआ, नो फ्रेग्रेंस एट ऑल। दिस इज व्हाट आई लव। इसमें किसी भी तरह की आपको फ्रेग्रेंस नहीं आती, ना ही मेडिकेटेड और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस जो मैनमेड द्वारा डाली गई हो। और इसी के साथ ही इसमें आपको कोई भी ऐसी स्किन को इरिटेट करने वाला इंग्रेडिएंट नहीं दिखेगा जिसके कारण आपके और पिंपल्स हो जाए। सो अगर आपको इस विंटर्स में एक नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली सनस्क्रीन चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी इरिटेट ना करे, आपके एक्ने को सही करके रखे और आपको स्किन पर एक प्रोटेक्शन दे फ्रॉम सन। सो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसके साथ कौन से परफेक्ट फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर रहेंगे वो भी मैंने लिस्ट डाउन करें, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करा, डू ज्वाइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू ज्वाइन। एंड मैं इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।